हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कॉर्न पकोड़ा। सबसे पहले हम स्वीट कॉर्न यानी कि भुट्टे को 2 सीटी आने तक प्रेशर कुकर में उबाल लेंगे। अब हम इसको इस तरह से चाकू से कट करके इसका सारा कॉर्न निकाल लेंगे। इस तरह से कट करते हुए हम कॉर्न को निकालेंगे। ये देखिए, कॉर्न अच्छी तरह से निकाल लिया है मैंने। इसी तरह से हम पूरा स्वीट कॉर्न को कट करके कॉर्न के दाने निकाल लेंगे। अगर आप फ्रोज़न स्वीट कॉर्न यूज़ कर रहे हैं तो उसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रीज़र से बाहर निकालिए, उसको वॉश कीजिए और फिर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। राइस फ्लोर डालेंगे। अब हम इसमें जिंजर और गार्लिक को ग्रेट करके डालेंगे। आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर क्रश करके भी डाल सकते हैं। अब हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जीरा डालेंगे और नमक डालेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका थिक बैटर बनाएंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इस तरह से इसको मैश करते हुए मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें कटा हुआ प्याज और धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। इस तरह का थिक बैटर बनाना है। पकौड़े का बैटर रेडी है, अब हम इसको गरम तेल में डीप फ्राई करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पकौड़े का बैटर लेके हम गरम तेल में डीप फ्राई करेंगे। हीट मीडियम से हाई पे रहेगा। पकौड़े आप अपने पसंद के साइज में डाल सकते हैं। एक से दो मिनट तक हम इसको एक साइड से पकाएंगे, उसके बाद हम इसको टर्न कर देंगे इस तरह से। अब हम इसको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इस तरह से बीच बीच में टर्न करते हुए पकाएंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। ये लीजिए, पकौड़े रेडी हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। गर्मा गर्म कॉर्न पकौड़े रेडी हैं। आप इसको टोमेटो सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये पकौड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। अभी बारिश का महीना भी चल रहा है तो आप जल्दी से ये गर्मा गर्म कॉर्न के पकौड़े बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरी डिश पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।